हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक ब्लॉगर है, अगर आप अपना ब्लॉग जो है तो अपने मोबाइल से कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको आपका जो टैम्पलेट एडिट करना होता है, मतलब कि उसकी जो कोडिंग होती है उसको अगर एडिट करना होता है, तो हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमको मतलब कि उसके उसको ब्लॉगर का जो टैम्पलेट की HTML फाइल होती है उसके अंदर जो है तो 5,000-10,000 लाइन्स होती है, और उसके अंदर अगर लेटर की बात करें तो मतलब कि 50,000 लेटर्स ही उसमें अंदर होंगे। लेकिन हमको मतलब कि अगर हमने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में अगर हमने मतलब कि पीसी और लैपटॉप में अगर हम इसको एडिट करते हैं तो वहाँ पे सर्च का बटन होता है, लेकिन जो हमारा जो स्मार्टफोन होता है उसमें सर्च का बटन नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको सर्च बटन कैसे लाना है और कैसे आप सर्च कर सकते हो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैसे हम अपनी वीडियो को अपलोड करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दरअसल होता है कि हमको अपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा कि ब्लॉगर वेबसाइट को सर्च कैसे करें या फिर टैम्पलेट को एडिट कैसे करें, इससे रिलेटेड आपने सर्च किया होगा। और वहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन को बताया होगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपका जो पे कोड है उसको पूरी तरह से कॉपी कीजिए, उसमें पेस्ट कीजिए, उसमें एडिट कीजिए, फिर वहाँ से भी कॉपी कीजिए, फिर इसमें एडिट कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाती है और जो हमारा सिर होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार। तो उससे मैंने भी अपना जो ब्लॉग स्टार्ट किया है, मैं जो है तो अपना ब्लॉग जो है तो अपने स्मार्टफोन में ही एडिट करता हूँ, लेकिन मुझको पता नहीं था कि ऐसे मैं वापस सर्च कर सकता हूँ। क्योंकि अगर एक एक मतलब कि मैं जो अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ एडिटिंग तो करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार, ऐसे कैसे एडिट करूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि आप मैंने कैसे, अब आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, ना ही तो आपको कोई कोड यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल में बताऊँगा कि आपको आपका जो ब्लॉग होता है उसके अंदर आपको सिर्फ एक बटन को क्लिक कर देना है और आपको जो है तो आपको आप एक सर्च बटन आ जाएगा, आपको जो भी लेटर चाहिए आप वहाँ पे डाल सकते हो, और आपके जो जितने भी सारे उस लेटर जो भी लेटर से वो आपको कलर में दिख जाएंगे। और बहुत सिंपल में वहाँ पर ऊपर भी लिखा होता है कि ये मतलब कि उस लेटर के कितने लेटर से या फिर ऐसा कोई लेटर भी है या फिर नहीं। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। के ब्लॉग में अगर मतलब कि आपको जो टैम्पलेट होता है उसके अंदर अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए आपको कुछ सर्च बटन चाहिए होता है, ताकि हम किसी भी लेटर को जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकें। तो आपको उसके लिए किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो यहाँ पे टैम्पलेट दिखा होता है आपको यहाँ पे जो एरो दिख रहा है उसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिख रहा है एडिट HTML, हम यहाँ पे जो अपनी जो कोडिंग होती है यहाँ पे हम लोग एडिट कर लेते हैं कि हमें इसे दबाया कि हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं, लेकिन हमको अगर किसी स्पेसिफिक लेटर को ढूंढना है तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कितने सारे वर्ड है, कितने सारे इसमें हमारा जो लेटर है स्पेसिफिक वो इसमें से कहाँ मिलेगा, इसलिए यूज़ होता है सर्च बटन का। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्मार्टफोन होता है यहाँ पे सर्च बटन तो नहीं होता, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सर्च बटन नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पे सर्च बटन कैसे लाना है, और आप उसे डिलीट भी कर सकते हो जब चाहे तब भी, वहाँ पर किसी भी वेबसाइट में भी आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जो यहाँ पे एरो दिखता है उसे क्लिक कर देना है ऊपर वाला, और यहाँ पे देखिए फाइंड इन पेज यहाँ पे दिख रहा है, फाइंड इन पेज है, अब देखिए उसको आपको क्लिक कर देना है। देखिए ऊपर एक सर्च बटन आ जाता है, आपको आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब हम यहाँ पे कुछ लेटर्स होते हम अगर किसी भी लेटर्स को डालते तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि EF जो लेटर है उसका उसके कितने सारे लेटर्स है इसके अंदर। देखिए आप यहाँ पे 126 लेटर्स है, और आपको यहाँ पे सब कुछ कलर में दिख जाता है। देखिए मतलब कि कितने लेटर से वो आपको सब कुछ यहाँ पे कलर में दिख जाएंगे। अगर आपको कोई अलग लेटर चाहिए देखिए मैं हम लोग अलग भी कुछ सर्च करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि या फिर कितने लेटर से, या फिर अगर हमने कोई अलग देखिए यहाँ पे कलर्स भी दिखाई देते कि इसके इतने सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम में है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत सिंपल में वर्क करता है, जो किसी हैंग भी नहीं पड़ता, आपको कॉपी पेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर सर्च कर सकते हो, देखिए बहुत सिंपल है। और अगर आपको इसे कट करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर देना है।
आपको क्या करना है, ऊपर जो थ्री डॉट दिखते हैं उसे क्लिक कर देना है उसे एक्टिवेट करने के लिए। या फिर देखिए फाइंड इन पेज का ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक कर देना और आपके सामने जो है तो सर्च बटन आ जाएगा, आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। देखिए बहुत सिंपल में, और उसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और सेव में कर देना है, आपका जो ब्लॉग है वो सेव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जैसे मैं अपनी वीडियो को अपलोड करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।